हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि शॉपसी ऐप अगर आप यूज करते हो तो आप उसको लॉगिन कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है, अगर फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो तो फ्लिपकार्ट से ही जुड़ा है और फ्लिपकार्ट का ही ये कंपनी है शॉपसी ऐप। तो गाइस, सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर शॉपसी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही कर लोगे गाइस, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है एंड ओपन हो जाने देना है। और यहाँ पर सबसे पहले अगर आप डाउनलोड करके ऐसा ही करते हो, चलो मान लो डिलीट हो गया और लॉगिन करना चाहते हो, लॉगिन का प्रोसेस जान लो, छोटा सा है। इंग्लिश पे आप क्लिक करो या फिर हिंदी, जो भी आपको लैंग्वेज हो वो उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ से फिर से आपको आ जाएगा एक नंबर, इंटर मोबाइल नंबर। तो जिस नंबर से आपका फ्लिपकार्ट है और जिस नंबर से आप शॉपसी ऐप बनाए थे उसी नंबर को आप डालना है। तो चलो मैं फ़ोन नंबर को एंटर कर देता हूँ। सो फ़ोन नंबर को एंटर करते ही यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दिखेगा। अगर गलत है तो आप उस पर जो है फिर से एडिट करके चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो फ़ोन नंबर डाले रहोगे वो मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए, उस पर जो है एक OTP जाएगा। तो चलो जो है मेरे पास दूसरे फ़ोन में OTP आया, मैं इसको डाल के वेरीफाई करता हूँ। एंड वेरीफाई करते ही आपको थोड़ा सा फिर से वेट करना, ये सारा प्रोसेस लेगा। एंड आपको अकाउंट पे अगर क्लिक करके देखना है तो ये देखो आपका अकाउंट जो है फुली रेडी हो चुका है गाइज। और यहाँ से आप जो है शॉपसी ऐप पर इस तरह से लॉगिन कर सकते हो अपनी अकाउंट।